वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन ठीक है और हम लोगों ने कर लिया था टू किंगडम क्लासीफिकेशन और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ठीक है सबसे पहले जिसने क्लासिफिकेशन किया वो थे एरिस्टोटल ठीक है सेकेंड जो है वो टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ठीक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी ठीक है जिसकी वजह से इसको क्या किया रिजेक्ट कर दिया गया कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ठीक है जो दिया था अर्नेस्ट हीकल ने ठीक है हीकल ने क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने एक ग्रुप और ऐड कर दिया ठीक है जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया कब रिजेक्ट किया गया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया ठीक है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी कब हुई थी 1931 में ठीक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1931 में डिस्कवरी हुई ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी अर्नस रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया गया माइक्रोस्कोप ही आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट होने का जो मेन रीज़न था कि जितने भी बैक्टीरिया थे है ना उन सबको किस में इन्वॉल्व किया था जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था उन सबको प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया था लेकिन बैक्टीरिया हुए या इनसे भी जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं वो किस में आते हैं क्या वो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स के साथ में रखे जाने सही है नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि प्रोटोजोन्स का सेलुरर ऑर्गेनाइजेशन और बैक्टीरिया का सेलोर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से स्टडी की गई इनकी सेलर ऑर्गेनाइजेशन की तब ये पाया गया कि ये स्ट्रक्चर इनसे बिल्कुल डिफरेंट है इसीलिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया ठीक है फिर इसके बाद में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया ठीक है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने ठीक है तो हर्बर्ट एफ कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने प्रपोज किया था 1956 में ठीक है इन्होंने लिविंग को किसमें डिवाइड किया फोर किंगडम में डिवाइड कर दिया उन्होंने एक नोवल किंगडम कौन सा बनाया मोनेरा बनाया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या थे कि बैक्टीरिया हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेन्स हैं उनको सबको किस में इंक्लूड किया था प्रोटेस्टा में इंक्लूड किया था ठीक है हर्बर्ट एफ कॉपलन ने जब सेलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्या किया बैक्टीरिया को एक अलग ग्रुप में रख दिया और वो उस ग्रुप का नाम बनाया उन्होंने उस किंगडम का नाम उन्होंने रखा मोनेरा ठीक है मोनेरा प्रोटेस्टा प्लांटी और एनिमिलिया ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया अब ये फोर किंगडम जो उन्होंने बनाए वो क्या बेस रखे उन्होंने फर्स्ट बेस रखा इसका सैलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सेकेंड रखा इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे दिया सेलर किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया ठीक है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने एक मोनेरा एक नया किंगडम एड किया इसके अंदर उन्होंने किसको इंक्लूड किया था जितने भी बैक्टीरिया हैं आर बैक्टीरिया हैं और प्रिमिटिव एलगी जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया उन सबको किसमें इंक्लूड किया उन्होंने मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किया ठीक है मोनेरा के अंदर उन्होंने इंक्लूड किए आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है ये इंक्लूड किए इन्होंने एक नए किंगडम में ठीक है बाकी जो प्रोटोजोन्स थे वो सब किस में आए आपके प्रोटेस्टा के अंदर प्लांट्स के अंदर प्लांट्स आते ही हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एनिमेलिया में यानी तीन किंगडम के साथ में उन्होंने एक किंगडम और ऐड किया जिसमें उन्होंने इन सब को इंक्लूड किया ठीक है ये तो बात हो गई हमारे क्लासिफिकेशन की अब जनरल बात आती है कि ये जो आर्किया होता है ठीक है की बैक्टीरिया या आर्किया क्या कहलाते हैं आप लोग जनरली अब बहुत कॉमन नेम होगा सुना होगा जैसे अपन बोलते हैं ना आर्किया बहुत पुरातन बहुत पुराना तो पुराना यानी प्रिमेटिव बहुत पहले ठीक है और क्या क्या कहलाते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड यू लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रो कैरियो क्या होते हैं और यू कैरियो क्या होते हैं ठीक है थीके? तो यू कैरियो का मतलब क्या होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मैम्रेन से बाउंड होता है कवर्ड रहता है न्यूक्लियस वो क्या कहलाते हैं या ऐसी जो सेल होती है वो क्या कहलाती है यू सेल्स कहलाती है ठीक है और जिसके अंदर इस तरह की सेल्स होती है वो यू

होता है इसीलिए इनको प्रतिष्ठा के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद ही यू और प्रो सेल्स में डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल हो पाया था ठीक है उसी के बाद में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था ठीक है अब ये ये तो बात हो गई कि इन्होंने ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ये जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं था क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था तो अब हम पढ़ते हैं कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है ठीक है क्यों इसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए था और क्यों इसे रिजेक्ट किया गया ठीक है एक्सेप्ट करने का जो कारण था वो ये था कि इस क्लासिफिकेशन में क्या किया उन्होंने मोनेरा किंगडम एक नया नोवल किंगडम बनाया जिसके अंदर उन्होंने आर बैक्टीरिया बैक्टीरिया और ब्लू ग्री ग्रीन एल्गी जिसे प्रिमिटिव एल्गी बोलते हैं या सैनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको इन्होंने इंक्लूड किया तो ये बहुत वाइज स्टेप था कि इसको क्योंकि इनका सैलो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है प्रोटिस्टा या प्रोटोजोन से ठीक है तो ये बहुत वाइज स्टेप था बहुत अच्छा काम था कि इन्हें अलग कर दिया गया ताकि इनकी स्टडी करना आसान हो गया कि एक अलग किंगडम हो गया लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या हैं जब आप ये सिस्टम देखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं तो मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमेलिया ठीक है इनका क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस था फर्स्ट होता सेलर ऑर्गेनाइजेशन और सेकेंड था मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं या तो ऑटोट्रॉफिक होता है और हिट्रोट्रॉफिक होता है तो फंजाई किसके अंदर आएगा यदि फंजाई को आप प्रोटेस्टा में इंक्लूड नहीं कर सकते मोनेरा में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है मल्टी सेलुलर होती हैं ठीक है थीके? तो फंजाई को आप किस में इंक्लूड करोगे तो फंजाई को क्या आप ऑटोट्रॉपिक के साथ रख सकते हो हिट्रोट्रॉपिक को आप ऑटोट्रॉपिक के साथ में कभी नहीं रख सकते तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का वो यही था कि फंजाई की पोजिशन का कुछ पता नहीं था कोई आता पता नहीं था उसको किस में डाल दिया प्लांट में डाल दिया बिना सोचे समझे और बेसिस क्या रखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दोनों का अलग है तो दोनों एक किंगडम में कैसे आ सकते हैं ठीक है तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये था सेकंड ड्रॉबैक ये था कि वायरस और लाइक जो हैं उनकी भी पोजीशन बता नहीं पाए कि उनको किसमें रखा जाएगा क्या वो प्रोटेस्ट हैं क्या वो मनैरा में है वो किस में रखे जाएंगे कि वायरस है तो सही लाइकेंस भी आते हैं तो उनकी पोजीशन भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं बता पाया इस वजह से इन पॉइंट्स की वजह से ये ड्रॉबैक्स की वजह से इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल पॉइंट्स वाला नहीं था कि ये एक किंगडम आपने नया बना दिया कि इनको इंक्लूड कर दिया लेकिन जो और भी ऑर्गेनिज्म है उनकी पोजिशन कहाँ करी है, वो कहां रखे जाएंगे इसीलिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया ठीक है उसके बाद में आया आपके पास में जब नेचुरल सी बात है जब ये रिजेक्ट हो गया तो कोई और तो आना ही था ना आया इसलिए क्योंकि जब आपके पास में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो आप उनकी स्टडी कैसे करोगे तो उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और वो किस आ, क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है आई होप आपको फोर किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कोई भी प्रॉब्लम हुई हो कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ठीक है सो स्टे ट्यून टिल देन टेक केयर थैंक यू